नगदी फसल के तौर पर मक्के की खेती शुरू की गई। किसानों ने इस बार इसकी बम्पर पैदावार की। पिछले वर्ष मूल्य भी अच्छा मिला था, जिससे और अधिक उत्साह से इस वर्ष किसानों ने मक्का लगाया। इस वर्ष कृषि विभाग ने 10,000 हेक्टेयर के मक्के के फसल का लक्ष्य रखा था, जो बढ़कर 30,000 हेक्टेयर से अधिक तक पहुंच गया। लेकिन इस बार जब फसल लगने के बाद से ही मौसम की बेरुखी से किसानों का सामना हुआ। लगातार बेमौसम बारिश, आंधी पानी, नेपाल से सटे क्षेत्र में मक्के की खड़ी फसल पर हाथियों का प्रकोप और उसके बाद फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप से सामना हुआ। सबसे बचते बचाते फसल तैयार हुआ तो कोरोना के बाद लॉकडाउन ने किसानों की कमर ही तोड़ दी। इसी बीच हमारे सहयोगी रामगोपाल कुशवाहा जनपद शाहजहाँपुर के खेतों में कट रही मक्के का फसल का जायजा लेने पहुंचे। देखें उनकी रिपोर्ट। जी सरदार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी। आप कहाँ से हैं? मैं कुटिया फार्म से। कुटिया फार्म से भाई साहब, अभी तहसील पड़ता है जिला शाहजहाँपुर। जी जी, अभी मैंने देखा है आपके फार्म में कंपाइन से मक्का का कटान हो रहा है जी। इसके बारे में आप कुछ जानकारी दें। जानकारी दी है, हम आलू के बाद इसको बुआई करते हैं मक्का की फरवरी में जी। 10 फरवरी को इसकी सोइंग हुई थी जी, और 10 फरवरी के बाद 120 दिन में फसल कट जाती है, पक जाती है जी। 908 वेराइटी है ये जी, और इसमें 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है। 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्चा आता है जी, मैं कटाई जी। इसमें लमसम एकड़ में कितनी मक्का निकल आती है? ये गीली मक्का तो जो जैसे अब कट रही है तो ये तो करीब 60 क्विंटल के करीब निकलेगी। 60 क्विंटल के करीब जी। जी, तो इससे आपको बेनिफिट कैसा मिलता है? बेनिफिट ठीक है, ठीक है। डाउन है इस बार, मार्केट डाउन है जी। और अगर लास्ट ईयर का देखा जाए तो अच्छा बेनिफिट होता, लास्ट ईयर ज़्यादा था, रेट कम है, डाउन डाउन के चक्कर जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।